सही हमको एक्टर नहीं लगता, वो थोड़ा सा वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा वो फोकस करता है। वो पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि कोई हिंदू भाई मत देखिए, कोई नहीं देखे, नहीं कोई नहीं देखे, क्यों देखे? जब वो रहने ही लायक नहीं है, जब हिंदुस्तान में उनके लायक जगह नहीं है, तो यहाँ उनका फिल्म क्यों देखा जाए? कि वो देखिए जो भी कमाए हैं यहीं से कमाए और यही उनको खराब लगता है, तो नहीं देखना चाहिए। जब क्या बोलता है ना, जब सर पे ओला पड़ता है तो याद आता है लोग, पब्लिक इंडिया मेरा भारत अपना है, वही हाल हो गया है। अभी देखिए ना गुटखा का प्रचार कर रहा है सब। हिंदू मुस्लिम को मिल के रहना है तो धर्म की बात हम क्यों करें, है ना? फिल्म देखते हैं मनोरंजन के लिए, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो और एंजॉय करो। 11 अगस्त को देश के मशहूर एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने को है और अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। अभी हम राजधानी पटना के मोना सिनेमा हॉल के ठीक बाहर खड़े हैं और देखिए यहाँ पर जब भी फिल्में लगती है तो लोगों की हुजूम होती है, लोग पहले से इंतजार करने लगते हैं, देखने को बेकरार होते हैं। और आमिर खान की फिल्म लगातार जो है वो सुर्खियों में रही है, विवादों से घिरी रही है, करीब 4 साल के बाद पर्दे पर वापसी हो रही है और आप जो है सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कोसते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पटना के लोग क्या आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा देखेंगे, इसको लेकर हम लोगों से पूछेंगे, लोगों से बात करेंगे। काफी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आमिर खान की फिल्म आ रही है भैया, आमिर खान की फिल्म आ रही है 11 अगस्त को, लाल सिंह चड्ढा देखेंगे आप? हम हॉल में देखना बंद कर दिए हैं बहुत दिन से, हॉल में टाइम ही नहीं मिलता है, हॉल में कहाँ देख पाएंगे, नहीं मिलता है। देखिए देश के जो मशहूर एक्टर हैं आमिर खान, उसको ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो फिल्म जब भी लाते हैं तो भगवान को ठेस पहुँचाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को ठेस पहुँचाते हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हम धार्मिक बात क्यों करें? हम फिल्म देख रहे हैं, मनोरंजन करते हैं, धार्मिक बात हम क्यों करें, है ना? धार्मिक धर्म धर्म सिर्फ लड़ाने के लिए नेताओं का ये सब अति प्रोपगेंडा रहता है ना? धार्मिक बात क्यों करें? जब ये इसी देश में रहना, हिंदू मुस्लिम को मिल के रहना है तो धर्म की बात हम क्यों करें, है ना? फिल्म देखते हैं मनोरंजन के लिए, बात खत्म। आई नहीं है, बायकॉट होने लगी है, क्या लगता है ये सही है? बायकॉट अब जो देखे होंगे सेंसर बोर्ड जो दिखाया होगा, हो सकता है बायकॉट कुछ लोग कर रहे होंगे। क्या कहिएगा, आमिर खान की फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, आप देखने जाएंगे 11 अगस्त को? नहीं नहीं जाएंगे हम। क्या ही नहीं जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे, सही हमको एक्टर नहीं लगता, वो थोड़ा सा वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा वो फोकस करता है वो, हाँ इसीलिए, और थोड़ा सा यही सब पार्सलिटी करता है। पीके मूवी जब आई थी तभी भी काफ़ी, हाँ हाँ वही वही वही, इसीलिए नहीं जाएंगे ना, वो पीके वाला देख रहे हैं कैसे कैसे करता है वो। उनकी एक्स वाइफ कही थी कि भारत रहने के लायक जगह नहीं है, क्या लगता है उनका जो ये कहना था, क्या उसका भी असर है लोगों में लग रहा है? हाँ एकदम लग रहा है, वो अपने देश के लिए, वो बताइए अभी 15 अगस्त आने वाला है और हम देश के प्रति हम लोग को वफादार रहना चाहिए, लेकिन वो वफादारी वाला काम नहीं कर रहा है, सही आदमी नहीं है वो, एक्टर सही आदमी नहीं है। हम खुद NIT पटना से MTech कर रहे हैं, नेशनल कॉलेज में है, तो सही नहीं है भाई, अपने देश के लिए वफादार रहना चाहिए उसको, लेकिन वो उस टाइप का बंदा सही नहीं है, एक्टर सही नहीं है वो, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। हाँ इसीलिए वो चलेगा नहीं, फ्लॉप कर जाएगा उसका, फ्लॉप कर जाएगा। अक्षय कुमार रहता था उसका फिल्म सुपर हिट, अक्षय कुमार की भी तो रक्षाबंधन आ रही है, नहीं वो हिट करेगा क्योंकि वो सही है देश के लिए। वही बात जो हम वही बोलेंगे, आमिर खान की फिल्म का बायकॉट क्यों हो रहा है? देखिए आमिर खान का फिल्म का बायकॉट इसलिए हो रहा है कि उनकी वाइफ जो ये बताए कि उनकी वाइफ जो बोली कि भारत में रहने के लिए रहने लायक जगह सेफ नहीं है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। इस वजह से जो हम लोग हैं, जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, उन लोग जो भारतीय हैं, जो इसको भारतीय से प्रेम है, उन लोग सब देश से प्रेम है, उन लोग ये प्रण कर लिए हैं कि उनका फिल्म बायकॉट कर देंगे, बायकॉट कर देंगे पूरा। लेकिन लोग कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आमिर खान को लेकर? नहीं सर, वो जो बोल रहे हैं कि रहने लायक नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, यहाँ से अरबों खरबों कमा लिया है, अब विदेश में जाकर कैश करने का मन कर रहा है, और कोई बात नहीं है। आप देखने के लिए जाएंगे? हम क्यों जाएंगे, उस एक हम पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि कोई हिंदू भाई मत देखिए, नहीं कोई नहीं देखे, क्यों देखे? जब वो रहने ही लायक नहीं है, जब हिंदुस्तान में उनके लायक जगह नहीं है, तो यहाँ उनका फिल्म क्यों देखा जाए? लेकिन एक समय था जब आमिर खान की फिल्म आती थी तो पहले लोगों में चर्चा होती थी, तो इस समय उस समय वो बोले नहीं थे ऐसा बात, इस समय तो ऐसा बात वो कभी नहीं बोले थे कि इस चीज नहीं हो, यहाँ रहने लायक देकर कह रहे हैं कि हमने जो कहा था हमने अलग तरीके से कहा था, हम देश से प्यार करते हैं। कोई प्यार क्या करता है, प्यार करते तो उसी तरह से बात करते हैं, वो इस तरह से तो नहीं बोलते, इस हिंदुस्तान के मिट्टी में वो
जन्म लिए, पलने पोसे, सब चीज अरे यहाँ अरबों खरबों वो रुपया कमाए हैं फिल्मी दुनिया से। क्या और क्या लगता है, आमिर खान की फिल्म आ रही है, देखने जाएंगे आप? जब आएगी अब देखी जाएगी। 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है, देखेंगे आप? हाँ तो देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन कह रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि आमिर खान जो है हिंदू देवी देवताओं के मनोबल ठेस पहुंचाते हैं सम्मान को। सबकी अपनी अपनी सोच है। आप एक युवा है, क्या सोचते हैं? जो मन करता वही सोचते हैं, अपने मन से तो चलेंगे। आप देखने जाएंगे? क्यों देखने। देखिए कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल देखेंगे, हमारा मन है। क्या कहिएगा सर, लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की रिलीज होने वाली है? उनकी पिक्चर को नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखेंगे कि वो देखिए जो भी कमाए हैं यहीं से कमाए और यही उनको खराब लगता है, तो नहीं देखना चाहिए। जब क्या बोलता है ना, सर पे ओला पड़ता है तो याद आता है लोग, पब्लिक इंडिया मेरा भारत अपना है, वही हाल हो गया है। अभी देखिए ना, गुटखा का प्रचार कर रहा है सब, तो लोग ऐसे ही करेगा, जो लोग जो मतलब देवी देवता के साथ खिलवाड़ करेगा, पब्लिक उसके साथ वही सेवा सत्कार करेगी। आप देखने जाएंगे? हम तो नहीं देखेंगे सर, बिल्कुल नहीं। कौन से एक्टर का मूवी आप देखना पसंद करते हैं? बेसिकली तो ज्यादा पिक्चर देखते नहीं है, लेकिन वो लोग का पिक्चर खास करके देखेंगे ही नहीं जी, बायकॉट करके। लाल सिंह युवा भी है, काफी संख्या में लोग है बात कर रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा आ रही है, देखने जाएंगे? जी जरूर जाएंगे। क्या खास है मूवी में, बहुत सारी चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर? अब तो आने के बाद ही मालूम चलेगा। नहीं अभी तो कह रहे हैं कि फिल्म का जो है ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बाद कह रहे हैं कि तकरीबन एक सप्ताह बचा है। कहना यह है कि हिंदू देवी देवताओं को आमिर खान ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए फिल्म नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मतलब पीके पिक्चर को लेके बहुत सारा विवाद हुआ था, उसको लेकर मतलब बाइकआउट करने के लिए मतलब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस पिक्चर में, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है जी। क्या बोल रहे थे आप? जी जी जाएंगे देखने के लिए। देखने के लिए जाएंगे जी जी। क्या सर क्या कहना चाहिएगा आमिर खान को लेकर? सबसे पहले तो कोई पिक्चर बनाता है तो वो एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाता है, ठीक है, नहीं कि मतलब उसको मतलब हिंदू मुस्लिम लेकर के, नहीं अगर उसका मजाक उड़ा करके, क्योंकि इंटरटेनमेंट करने के लिए है, एंटरटेनमेंट करने के लिए है तो कहीं नहीं देखेगा, देखेगा वो तो बस ये हमारा यही कहना है कि हम देखने जाएंगे, ठीक है, देखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, मूवी देखने के लिए जाइएगा आमिर खान की मूवी? हाँ देखिए युवा है, उनका कहना यह भी है कि फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिए होती है और मनोरंजन के तरीके से लेकर चलना चाहिए, क्या कहिएगा? हाँ ठीक है देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए ही आता है फिल्म ना, तो देखेंगे हम लोग भी जा करके। आमिर सर ऐसे भी बहुत खतरनाक अच्छा फिल्म बनाते हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे उसका फिल्म, वेट कर रहे हैं हम लोग कितना जल्दी आए कि हम लोग देखें। जहां सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवा जो है अपने अपने विचार को रख रहे हैं, पटना के युवा कुछ कह रहे हैं, बात करते हैं, क्या कहिएगा ये आमिर खान की फिल्म का जो बायकॉट होने लगा है सोशल मीडिया पर, क्या आप इससे सहमत हैं? इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। एक बात बताइए, आमिर खान की मूवी आप देखें, कोई सा भी थ्री इडियट देखें, क्या उसमें सीख मिली आपको? उसके मूवी में फैक्ट होता है और इंटरटेनमेंट है। अगर आप जाति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो पॉलिटिक्स में होता है हिंदू मुस्लिम, फिर उसको क्यों नहीं बॉयकॉट करते हैं आप, फिर वोट क्यों देते हैं कास्ट पे, बताइए। आपसे क्वेश्चन है मेरी, बताइए, आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका उनके फिल्म का बायकॉट कीजिए, वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। एक बात बताइए आप, बायकॉट मतलब जो अंधभक्त होते हैं ना, अंधभक्त समझते हैं, जिसको कुछ पता नहीं होता, जो अनपढ़ होते हैं वो ये सब बात लिखते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम अगर बिहार और यूपी ना हो ना तो जीत होगा ही नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगी। अगर शिक्षित अगर स्टेट हो तो वहाँ पे एक भी जो है कास्ट वाला वोट कभी नहीं जीतेगा, यानी कि जात पात की राजनीति बस होती ही है और कुछ नहीं है। आमिर खान का आप टोटल मूवी देखिए, उसमें इंटरटेनमेंट है और बहुत कुछ सीख मिलती है उससे। सबसे पहले बात तो ये जात पात का राजनीति नेता लोग करता है, जनता को कोई आपत्ति नहीं है, जनता तो सब एक दूसरे से साथ ही रहता है, और मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो सब साथ ही रहता है। दिक्कत होता है नेता को दिक्कत होता है, जब तक ये सब करेगा नहीं तो वोट बैंक मिलेगा कहाँ से, ठीक है। वोट बैंक ले करके फिर कहते हैं कि मतलब इसका बायकॉट करो उसका बायकॉट, ये इसलिए कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, ये नहीं कि जनता के बेनिफिट के लिए। इसके लिए हमारे कहना ये है कि उस हिंदू मुस्लिम छोड़ करके ये इंटरटेनमेंट के लिए है, और आराम से बढ़िया से जा करके देखें और बढ़िया से इंजॉय करें। सर एक बात बताइए, कश्मीर फाइल देखे हैं? उस समय सर सरकार किसकी थी कश्मीर में, किसकी सरकार थी? विपक्ष की सरकार थी, बीजेपी था ना उस समय गवर्नमेंट में, क्यों नहीं किया सर?
अगर आप जो बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका, विवेक अग्निहोत्री, जो मूवी को टैक्स फ्री करो भाई, यूट्यूब पे डाल दो आप। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे डाल दो आप। देखिए ये सब राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा होता देखिए, सबसे सुपर डुपर हिट होता ही नहीं, अगर वैसा होता तो सुपर पीके फिल्म हम ही लोग पूरे हिट करते हैं और कुछ नहीं है, उतना हिट होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छा आसान तरीका है, आप बाइकॉट करो और पिक्चर हिट करवाओ। ठीक है, बाइकॉट कर, हाँ, पिक्चर ऑटोमेटिक हिट हो जाए, क्योंकि कुछ लोग है ये पिक्चर का नाम जानता भी नहीं, कौन आ रहा है नहीं आ रहा। ये जो चर्चा में लोग मीडिया लोग लाते हैं, लोग जानता है कि अगर पिक्चर है क्या, हाँ कौन सा पिक्चर है, चलो देखना चाहिए, इसके लिए जाकर के वो सुपर डुपर हिट हो जाता है और लोग समझता है इसको हम बाइकॉट किए हैं, तो ऐसा नहीं है, उसको इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो और इंजॉय करो। चलो देखिए, युवा जो है कह रहे हैं कि पिक्चर कोई भी हो उसे इंटरटेनमेंट के तरह देखना चाहिए, और लाल सिंह चड्ढा रही या कोई और फिल्म उसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, इंटरटेनमेंट तरीके से देखते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन लोग जो है अलग अलग तरीके से इसे बात बना लेते हैं और अपनी फिल्म का प्रमोशन कराने के लिए फिल्म आने से पहले जो है इस तरह का बयान देते हैं और इस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते रहते हैं। हालांकि कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि आमिर खान की फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, क्या कहेंगे भाई, बताइए आमिर खान की फिल्म आ रही है 11 अगस्त को, देखने जाएंगे आप? बिल्कुल, मूवी है तो देखना चाहिए, मूवी है तो देखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का आमिर खान ने मजाक बनाया है, इनके फिल्म का बायकॉट करो, क्या ये कहना सही है, आपको क्या लगता है? देखिए वैसा कोई इशू नहीं है, देखना चाहिए और देखने के बाद ही पता चल सकता है क्या है नहीं है उसमें, ऐसे तो अभी कोई रिव्यू नहीं देखे हैं। आप एक युवा है, पढ़े लिखे हैं, आपके अनुसार जो ये सोशल मीडिया पर चलता है, जब भी फिल्म आती है आमिर खान की तो वो कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरी रहती है, विवादों से घिरी रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता नहीं है, जनरली ये चीज़ जो होता है एक मान के चलिए ट्रेंड करने के लिए, मूवी वगैरह परमिट करने के लिए, सच्ची ट्रेंड करने के लिए ये पूरी जो है रणनीति बना ली जाती है। बिल्कुल वही बात, क्या कहिएगा सर आमिर खान, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखिए मोना सिनेमा हॉल के ठीक बाहर हम खड़े हैं, 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने को है, एक सप्ताह करीब बचे हैं और अब जो तैयारियां हैं सिनेमा घरों में, कहीं और जगहों पर जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जैसा कि जो खबरें सामने आ रही है। बहरहाल पटना के लोग जो हैं उनका कहना है कि लाल सिंह चड्ढा आए या कोई और फिल्म आए, हम देखने को तैयार हैं, और कुछ ऐसे भी युवा हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि आमिर खान भारत जैसे देशों रहते हैं और कहते नजर आते हैं कि उन्हें वो जो है भारत में सुरक्षित नहीं है, उनके परिवार के लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। हालांकि अब देखना होगा 11 अगस्त को जब लाल सिंह चड्ढा सिनेमा घरों में रिलीज होती है, लोग देखते हैं कितना कुछ प्यार देते हैं। अभी जो है सोशल मीडिया पर लगातार सोशल उनके खिलाफ जो है बायकॉट के पोस्ट किए जा रहे हैं और तरह तरह की टिप्पणी जो है की जा रही है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।